नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर बिजनौर से है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 70 वर्षीय की लाश। बिजनौर के चांदपुर में बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है, बुजुर्ग वन में भैंस चराने के लिए गया था, जो कि छोया नदी में फिसल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग की लाश को सील कर पीएम के लिए भेजा। थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर खादर के रहने वाले गंगाराम उम्र लगभग 70 वर्ष भैंस चराने के लिए गांव से पश्चिम की ओर वन में गए थे, लेकिन शाम तक उनके वापस न आने से परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी। तलाश करने के दौरान सुबह लगभग 7 बजे ग्रामीणों को छोया नदी में शव पड़ा होने की सूचना मिली। ग्राम प्रधान को साथ लेकर दर्जनों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्र अधिकारी गजेंद्र पाल नवागत, कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकालकर शव को पीएम के लिए भेजा। प्राइम न्यूज 24 के लिए बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। कौन सा गांव है? रायपुर। क्या मामला है? ये मामला तो प्रोजेक्ट हो चुका, न गए थे हमने ढूंढे बहुत, जब चंदन नहीं आए तो हम ढूंढने लग गए। जब नहीं आए तो हमने ढूंढे कम में, सुबह हम फिर ढूंढने गए तो हमें नदी के पास लाश मिली। थाना चांदपुर से रायपुर खादर गांव का 70 वर्षीय निवासी गंगाराम, जो प्रतिदिन सुबह पशुओं को चराने के लिए नाले के पास में जो गांव से दूरी पर है, 4 बजे के बाद उसके जानवर आए तलाश करने के लिए। ग्रामीणों ने बताया कि एक वृद्ध थे, अस्वस्थ थे, इनका पैर नाले में फंस गया, मृत अवस्था में पाए गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।